चलिए दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। मान लेते हैं हम किसी पर्टिकुलर जगह पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पे हम लोग जॉब कर रहे हैं, हमारी क्या होगी वहां पे इनकम होगी, कुछ पैसे मिलेंगे, मंथली इनकम होगी या ईयरली इनकम होगी, पैकेज होगा। या तो इनकम को हम क्या करेंगे, खर्च कर देंगे, या फिर अगर खर्च नहीं कर पाए तो वो सेव कर लेंगे। दो ही चीजें हो सकती है, इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो हमारे पास पैसे रहेंगे या हम खर्च चुके होंगे, ठीक है, या तो खर्च कर देंगे हम लोग, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास इनकम आने वाली है, जो भी हमारे पास पैसे आने वाले, इनकम किस में होगी, रुपीज में, एक्सपेंडिचर भी रुपीज में और सेविंग भी रुपीज में। बात समझ में आ गई, तीनों क्या है यहाँ पे, रुपीज में रहेंगे। इनकम की बात करें, इनकम क्या होगी हम लोगों के पास, अगर हम फॉर्मूले के ऊपर जाएं तो इनकम क्या होगी हमारी, या तो हम क्या कर देंगे, खर्च कर देंगे, एक्सपेंडिचर हो जाएगा, या फिर हम लोग सेविंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सेविंग कर लेंगे, उस चीज को बचा के रख लेंगे पैसे। दो ही चीजें हो सकती है, इसके अलावा कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है, या तो खर्च हो गया, पैसे हमारे पास बचे रह जाएंगे। तो इस पे बेस्ड अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब यहां पे हम लोग फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, कौन सा, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100%। अगर किसी एक में चेंज आता है तो किसी दूसरे को चेंज निकालने के लिए, या फिर एक्सपेंडिचर और सेविंग में अगर हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या फिर किसी भी टाइप का चेंज दिया जाता है तो हम लोग फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एडिशन हो रहा है। पहले हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे वहां पे क्या था, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस पर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, वहां मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, इसलिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर पा रहे थे आसानी से, जैसे कि हमने एरिया में किया था। लेकिन जब हम पेरीमीटर की बात करते थे तब पेरीमीटर में हम लोग जब रेक्टेंगल का पेरीमीटर पढ़ा था तो वो होता है 2 × L + B, वहां भी लेंथ प्लस ब्रिथ हमारे पास थी, तब भी हम फॉर्मूला यूज नहीं कर पाए थे। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या कर पाएंगे, फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, हमें बिल्कुल बेसिक से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए सेव्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी इफ हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज 26,000 देन हिज मंथली सेविंग इज, क्या बताया गया हमें, हमें इनकम की कोई बात नहीं की गई है यहाँ पे, सिर्फ बात की गई है किसकी, एक्सपेंडिचर की और सेविंग की, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए ने सेव किया है 20%, उसकी मंथली सैलरी जो थी, मंथली जो इनकम थी उसका 20% उसने सेव कर लिया है, तो बचा हुआ 80% कहां गया, बचा हुआ 80% उसने खर्च कर दिया है, एक्सपेंडिचर में चला गया 80%। अब वो 80% की वैल्यू हमें गिवन है, मंथली जो एक्सपेंडिचर है, मतलब जो 80% है हमारे पास, जो 80% है वो क्या है, एक्सपेंडिचर, मतलब टोटल सैलरी मान लो उसकी 100% है, 100 पूरी सैलरी मिली है उसको, है ना, 100% कितने भी मिली हो हमने मान लिया वो सैलरी क्या है 100%। जब 20% उसने सेव कर ली तो बची जो 80% कहां गई, 80% उसने खर्च कर दी। अब 80% उसने खर्च कर दी, हमें पता है परसेंटेज में, लेकिन उसने बोला है रुपीज में, उसके हिसाब से 8,000 रुपए उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए, और हमारे हिसाब से 80% उसने खर्च कर दिया। इसका मतलब क्या है, 80% की वैल्यू 8,000 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू कितनी, 8,000 / 80, ठीक है, 1% की वैल्यू इतनी आ गई। अब हमसे क्या बोला गया, 20% उसने क्या कर दिया है, सेविंग कर ली। अब सेविंग के लिए पूछा है हमसे, तो 20% क्या हो जाएगा, 20% क्या हो जाएगा, 8,000, ये कितना है, 6,000 है, मल्टीप्लाई बाय 20, है ना, 20% की वैल्यू हमें निकालना है, 80% की हमें पता है, ये कैंसल हो जाएगा, ये आएगा 4 times, तो 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से 15 टाइम्स कैंसिल होगा ये, तो ये आ जाएगा 1500, क्या आ जाएगा ये, 1500 रुपीज, मतलब 1500 रुपए, ये क्या है उसकी सेविंग, 20% सेविंग है ना, ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग कितनी हो गई हमारी, 1500 रुपए। बात क्लियर है, कितनी हो गई, 1500 रुपए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ क्लर्क रिसीव्ड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹3,620 इन द ईयर 2020, दिस वॉज 20% मोर देन हिज सैलरी इन 2019, वॉट वॉज हिज सैलरी इन 2019, मतलब इंक्रीमेंट होने के बाद की हमें सैलरी दी गई है, तो हमें बताना है कि अगर इंक्रीमेंट नहीं होता तो उसके पहले की सैलरी क्या होगी, है ना, 2019 में सैलरी क्या रही होगी उसकी, ये हमें बताना है, ठीक है। देखो 20% की बात की गई है, 20% की बात की गई है, 20% मतलब 1/5, मोर की बात की गई है मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ऐड कर दो तो ये हो जाएगी 6/5, मतलब अगर पहले सैलरी
ये सैलरी है, ठीक है। अगर पहले सैलरी 5 यूनिट थी तो बाद में 6 यूनिट हो जाएगी, है ना, यही तो हो रहा है। अब इस 6 यूनिट की वैल्यू हमें पता है, बाद में इंक्रीमेंट होने के बाद कितने रुपए है, 3660। इंक्रीमेंट होने के पहले की हमें पता लगाना है कि इंक्रीमेंट होने के पहले कितनी सैलरी रही थी। कैसे करेंगे, अब ये 6 की वैल्यू हमें पता है 3660, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैंसिल करेंगे इसे तो 610, 610 रुपये। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 610, मतलब कितना आ जाएगा ये 3050 रुपीज़। मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इतना आएगा 3050 रुपये 5 की वैल्यू। अब यही 5 की वैल्यू हुई तो हमारी क्या है, यही वैल्यू जो है हमारी 5 की वैल्यू, मतलब पहले वाली वैल्यू है ना, पहले इतनी सैलरी उसकी रही होगी, है ना। ऐसा नहीं करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीमेंट होने के, मान लो कि पहले सैलरी एक्स थी, कितनी थी पहले सैलरी एक्स थी, अब इसमें इंक्रीमेंट हो गया कितने का, 20% का, ठीक है। तो बाद में कितनी हो गई, 20% का इंक्रीमेंट हो गया, इतनी हो गई। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 3060 रुपये, पहले एक्स ऑलरेडी थी, ये इंक्रीमेंट है, ये ऑलरेडी सैलरी थी 2019 में और ये इंक्रीमेंट हो गया उस पर 20% का, ठीक है। ये 5 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6x/5, कितनी आ जाएगी, 3060। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3060 × 5/6, इतने रुपीज आ जाएगा। यहां भी तो हमने वही किया है, देखो 3036 कितना है, 3660 है, यहां भी तो वही किया है 3660, मैं पहले 6 का डिवाइड किया तो ये आया, 6 का डिवाइड करने के बाद 5 का मल्टीप्लाई किया, बाद में 5 का मल्टीप्लाई किया, यही तो आंसर आएगा, कितने रुपीस, 3050 रुपये। यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है, यहां से करेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा, यहां यूनिट के हिसाब से आएगा, वहां एग्जैक्ट हम लोग जल्दी से आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, आउट ऑफ हिज टोटल सैलरी राम स्पेंड 20% ऑन हाउस रेंट एंड 70% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, If he saves ₹1800, what was his total income? राम को सैलरी मिलती है, राम ने क्या किया, 20% खर्च कर दिया हाउस के रेंट पे, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ है, रेस्ट की बात की गई है, द रेस्ट मतलब जो बची हुई सैलरी है, 20% खर्च करने के बाद जो बची हुई सैलरी है उसका 70%, उसका 70% उसने खर्च किया है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे, है ना, घर खर्चे पे कर दिया उसने। अब सैलरी में से इतना खर्च करने के बाद उसे 1800 रुपये बचे हैं बस, तो हमें बताना है कि उसकी टोटल इनकम क्या रही होगी, है ना, टोटल इनकम क्या है उसकी राम की। कैसे करेंगे, देखो 2-3 तरीके करने के। सबसे बढ़िया तरीका, हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते जाते हैं सक्सेसिव, है ना, तो परसेंटेज चेंज हमने देखा था। अब परसेंटेज चेंज में हमने क्या किया था, जब फॉर्मूला डिराइव किया था तो फाइनल क्वांटिटी हमने कैसे लिखी थी, हमने लिखी थी कि अगर हमारे पास कोई चीज है, हमने मान लिया कि इनकम क्या है, इनकम हमने मान ली एक्स रुपीस, इनकम क्या मान ली, एक्स रुपीस। अब ये एक्स रुपीस का कितना खर्च हो रहा है, हमें क्या देखना है, यहां किसकी बात की गई है, हमें सेविंग की बात की गई है कि 1800 रुपए सेव करता है, मतलब एक्चुअल में जो रुपीस दिया हुआ है, परसेंटेज में नहीं, रुपीस में जो दिया हुआ है उसे देखना है, क्या हमें सेविंग दी गई है, तो हाँ, तो हम लोग सेविंग देखेंगे। उसने 80% खर्च कर दिया, 20% खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 80%, तो 80/100, यही करते आ रहे थे हम लोग, हमने यही तो किया था जब हमने फाइनल क्वांटिटी देखी थी, अगर हम किसी भी चीज में चेंज कर रहे हैं तो। उसके बाद सक्सेसिव में ये चीज काम आती है। अब 70% बचा हुआ, मतलब इतना है, हो चुका है, अब बचा हुआ कितना, 70% खर्च किया, मतलब बचा कितना, 30, 20% खर्च किया पहले तो बचा कितना, इतना, 70% खर्च किया इसी का तो बचा कितना, इतना, ये क्या है, रिमेनिंग, दोनों के लिए लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, रिमेनिंग ही। अब ये क्या हो गई, ये तो सेविंग हो गई ना, क्या हो गई, ये तो सेविंग के बराबर है, किसके बराबर है, सेविंग के, मतलब टोटल एक्स उसके पास क्या था, एक्स इनकम थी उसकी, एक्स रुपया आया उसको मंथली इनकम में, अब उसने 20% खर्च कर दिया, बचा कितना, 80,
70% इसी का उसने खर्च कर दिया, बचा कितना 30, इसी टाइप से करना है, सक्सेसिव वाला है ये। अब सेविंग कितनी है इसके पास, 1800 रुपए। तो हम क्या करेंगे यहां से, ये कैंसिल किया, ये कैंसिल किया, बचा कितना 24/100, और ये किसके बराबर है 1800 रुपए के। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1800 × 100/24। अब ये 6 से कैंसिल होगा 300 times, और ये 6 से 4 times, अब ये 4 से 25 times, तो बचा कितना 300 × 25। अब ये कितना आ जाएगा 7500 rupees। तो ये आ गई x की वैल्यू, है ना। सक्सेसिव वाले केस में यही तो देखा था हमने, यहाँ पे बस हमने लिख दिया कि रिमेनिंग कितना बचा हुआ है, x का इतना बचा हुआ है, फिर ये जो था इसका इतना बचा हुआ है, इतना खर्च हो गया। तो ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है हम लोगों के पास, क्या किया उसने, 20% खर्च कर दिया है ना। अब देखो यहां पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, आउट ऑफ हिज टोटल सैलरी राम स्पेंड 20% ऑफ हाउस रेंट एंड ऑफ सैलरी ऑन द ये, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहां पे देखो, यही चीज हो रही है, मल्टीप्लीकेशन में हो रही है दो चीजें, डिक्रीमेंट हो रहा है मल्टीप्लीकेशन में, मतलब पहले 20% कम हो गया, बाद में कितना कम हो गया 70% कम हो गया, उसी के ऊपर कम हुआ ना, 70% किसके ऊपर कम हुआ, उसी चीज के ऊपर कम हुआ है, जो चीज पहले थी उसी के ऊपर 70% का कम हो गया है। अब कुल मिला के कितनी कमी हो गई, कुल मिला के क्योंकि यहां पे x था, इसमें 20% की कमी हो गई, फिर ये जो क्वांटिटी आई, ये जो क्वांटिटी आई इसमें 70% की कमी हो गई, मतलब कुल मिला के मल्टीप्लीकेशन में डिक्रीमेंट हो रहा है ना, कुल मिला के मल्टीप्लीकेशन में डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब पहले डिक्रीमेंट इतने का हुआ, फिर बाद में इसी के ऊपर 70% का डिक्रीमेंट हुआ, मतलब कुल मिला के कितना डिक्रीमेंट हो रहा है, कुल मिला के कितना डिक्रीमेंट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, कुल मिला के परसेंटेज कितना चेंज हो रहा है, कुल मिला के परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है, हमने ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, ये डिक्रीमेंट हो रहा है ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, -20 × -70, तो 20 × 70/100%, मतलब कुल मिला के, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में ना, सक्सेसिव में हम लोग लगा सकते हैं, ये एक के बाद एक डिक्रीमेंट होता है, तो सक्सेसिव में ये हो जाएगा -90, ये हो जाएगा +14, कुल मिला के -76%, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, -76% को माइनस हटाते हुए 76% डिक्रीज, माइनस हटा के 76% डिक्रीज हो रहा है ना, 76% उसकी इनकम कम होगी, बची कितनी इनकम उसके पास, 100% − 76% कितनी बची है, 24% बची उसके पास। अब ये बची हुई इनकम किसके बराबर है, 1800 के बराबर, बची हुई इनकम किसके बराबर है, 1800 के बराबर है ना। तो यहां से 1% की वैल्यू आ जाएगी 1800 / 24, कितना आ जाएगा ये 6 300, और ये 4, ये आ जाएगा 75, ये तो 1% की वैल्यू आ गई। अब 100% था हमारे पास, 100% था ना देखो टोटल, तो ये तो 1% की है, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो 7500 हो जाएगा, ये 7500 हो जाएगा, तो आंसर क्या है 7500 रुपये। क्लियर है, बात समझ में आ गई कैसे किया है, पहले इनकम एक्स थी, डिक्रीमेंट हो रहा है 20% का, 20% स्पेंड कर दिया तो बचा कितना, इतना, फिर इसी का ये जो दिख रहा है ना हमें, ये जो दिख रहा है, ये जो क्वांटिटी निकलेगी, ये हमें अलग से क्वांटिटी निकालनी पड़ती थी, इससे अच्छा हमने डायरेक्ट उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 70% इस चीज का खर्च हो रहा है तो बचा कितना, और यही क्या है सेविंग, बचे हुआ लिख दिया तो सेविंग आ गई, यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यहां पे हमने फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि पहले अगर 100% सैलरी थी, तो बाद में क्या हो रहा है 20% का डिक्रीमेंट हो रहा है उस पर, फिर बाद में क्या हो रहा है 70% का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो सक्सेसिव डिक्रीमेंट है ना, सक्सेसिव डिक्रीमेंट है, तो सक्सेसिव के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये चीज यूज करते हैं,
ए अगर दो बार सक्सेसिव हो रहा है तो हम लोग ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, अगर उससे ज्यादा बार हो रहा है तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे हम लोग, फाइनल क्वांटिटी निकालेंगे कैसे, अगर दो बार है यहाँ हो गया, अगर दो बार और हो जाता है या तीन बार हो जाता है या एक बार हो जाता तो उसका वापस यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर देते, है ना, तीसरी बार भी अगर आ जाता तो मल्टीप्लीकेशन कर देते, तो यहाँ से हमें फाइनल क्वांटिटी मिलती। लेकिन अगर सिर्फ दो के केस में करें तो डायरेक्ट हमें परसेंटेज चेंज मिल जाएगा, और यहाँ से अगर करेंगे तो यहाँ से हमें फाइनल माइनस इनिशियल जो कि एक्स है डिवाइडेड बाई इनिशियल करना पड़ेगा, तब जाके आंसर मिलेगा या फिर परसेंटेज चेंज मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 7500। 76% माइनस आ रहा है, इसका मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है इतने का, इतने की सैलरी में डिक्रीमेंट हो रहा है। डिक्रीमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि खर्च हो गया तो कमी हो गई ना 76% की, तो बचा कितना, अगर 100% था तो बचा कितना, 24% बचेगा। अब वो बचा हुआ क्या है, 1800 रुपये, मतलब वही तो सेविंग है जो बचा है, बचे हुए को सेविंग बोलते हैं हम लोग, तो 100% की वैल्यू निकल के आ जाएगी फिर 7500 रुपये। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी टुगेदर अमाउंट टू ₹40,000, ए स्पेंड्स 85% ऑफ हिज सैलरी एंड बी स्पेंड्स 95% ऑफ हिज सैलरी, इफ नाउ देयर सेविंग्स आर सेम देन द सैलरी इन रुपीज ऑफ ए इज। मंथली सैलरी ए और बी की दोनों का समेशन दिया हुआ है, अगर दोनों की सैलरी मिला ले तो दोनों की सैलरी कितनी हो जाएगी मिला के, 40,000 रुपये। अगर ए ने स्पेंड किए हैं 85% उसकी सैलरी के, मान लेते हैं कि ए की सैलरी है, ए की सैलरी हमने मान ली x रुपीस, बी की सैलरी हमने मान ली y रुपीस। अब हमसे बोला गया है कि दोनों की सैलरी को अगर जोड़ ले हम लोग तो हमारे पास कितने रुपए बनेंगे, 40,000 रुपए। दोनों की सैलरी का समेशन कितना है, 40,000 रुपीस। क्लियर है बात? बढ़ते हैं अगली कंडीशन को की तरफ। ए स्पेंड 85% ऑफ द सैलरी, यहां पे स्पेंड मतलब एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एक्सपेंडिचर की, कितना उन्होंने खर्च कर दिया, ए ने कितना खर्च कर दिया है, 85% ऑफ सैलरी, 85% मतलब 0.85 ऑफ एक्स। बी की बात करें तो बी ने कितना खर्च कर दिया है, 95%, 0.95x, ठीक है। अब सेविंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सेविंग की। मान लेते हैं सेविंग अगर निकालनी है तो कितना हो जाएगा, देखो 85% उसने क्या किया है, स्पेंड कर दिया है, टोटल इनकम में से 85 स्पेंड किया तो बचा कितना, अगर परसेंटेज में देखें तो 15% बचेगा ना, कितना बचेगा परसेंटेज। अगर यहाँ पे हमने सैलरी कितनी एक्स मान ली है तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर 0.85x, सेविंग कितनी हो जाएगी, x माइनस 0.85x विच इज इक्वल टू 0.15x, यही हो जाएगा, ठीक है, ये y है। अब अगर b की बात करें तो b की सैलरी y थी, उसने 0.95y कितना स्पेंड कर दिया तो बचा कितना, वही क्या हो जाएगी, सेविंग 0.05y, ठीक है। बात समझ में आ गई? यहां पे अब एक्चुअल में फॉर्मूला लग रहा है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, लेकिन बात यह है यहां पे हमें सेविंग निकालनी है तो हमने इनकम माइनस एक्सपेंडिचर किया, ठीक है, बात समझ में आ गई, यह है एक्सपेंडिचर, यह है सेविंग, और यहां हम मान लेते हैं इनकम। बात समझ में आ गई? अब देखो यहां पे दो रिलेशन में पता लग गए, आखिर में रिलेशन क्या दिया है, सेविंग्स आर सेम, सेविंग जो है इनकी दोनों की वो बराबर है, सेविंग क्या है, इक्वल है, तो यहां से एक रिलेशन मिलेगा हमें 0.15x इज इक्वल टू 0.05 टाइम्स ऑफ y, मतलब 3x बराबर y किसके बराबर है, 3x की, एक रिलेशन मिल गया हमें। a के बारे में पूछा गया है, मतलब a की सैलरी की पूछी गई है, x निकालना है मतलब, तो y की जगह x रख दें हम लोग, 40,000, ये आ जाएगा 4x बराबर 40,000, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10,000, 10,000 रुपए, ठीक है। अगर वो b की सैलरी पूछ लेता तो y निकालते हम लोग, और y कितना हो जाता, 3 × 10,000 कितना हो जाता, 30,000 रुपीस। बात समझ में आ गई क्या किया हमने, एक तरीका और है, है ना, एक तरीका और देखते हैं। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। मान लो ए और बी
ए की सैलरी, बी की सैलरी, ये अपने आप में 100% है, ये अपने आप में क्या 100%, ये बी वाला 100% है और ये ए वाला 100% है, दोनों की पूरी पूरी सैलरी आएगी। अब 85% सैलरी स्पेंड कर दी, बची कितनी 15% और इसकी 5%, ये क्या है सेविंग है, क्या है ये सेविंग, और ये दोनों बराबर बोला गया है, ये दोनों क्या है इक्वल है, इसका मतलब इसका जो 1% है वो इसके 3% के बराबर है, अगर ये इक्वल है तो इसका जो 1% है वो 3% के बराबर है, बात समझ में आ गई, इसका जो 1% है वो किसके बराबर है 3% किसके ए के, मतलब इसकी 3 गुना सैलरी है, ए की जो सैलरी है वो बी से कितनी है 3 गुना सैलरी है, बात समझ में आ गई। अब इसका अगर 1% इसके 3% से बराबर है, दूसरी बात कि इन दोनों का जो समेशन है, इन दोनों का समेशन है वो किसके बराबर है 40,000 रुपये, 40,000 रुपये के बराबर है। अब हमें ये वाली चीज फाइंड करनी है, मतलब ये जो 100% है ये फाइंड करना है हमें, ना कि ये 100% बी वाला है, ये 100% ए वाला है। अब इसके 1% की कीमत 3% के बराबर है ए के, मतलब ए क्या है 3 गुना ज्यादा है, ए क्या है 3 गुना ज्यादा है, बात समझ में आ गई, क्लियर है बात, मतलब इसका जो सॉरी बी जो है वो भारी है, बी क्या है ज्यादा है, जैसे ये 1% हो गया ना, इसके 1% मतलब इसका 1 और इसका 3, मतलब इसका 100 इसका 300 हो जाएगा, इसका 100% इसका 300% हो जाएगा, है ना, अगर इसकी 100% की बात करें तो वो 300% हो जाएगा इसका, ये चीज तो आ गई। अब जो इसका 100% हमने यहां लिखा है इसको हम 300 कर दें, 300% ऑफ ए, ये जो हमने लिखा हुआ है ना, तो ये 300% कर दिया, जैसे ही हमने 300% कर दिया बी बन के ए हो गया, बी बन के क्या हो गया ए हो गया, क्योंकि इसका 100% इसका 1% इसके 3% के बराबर है, तो 100% इसके 300% के बराबर होगा। अब इसकी वैल्यू कितनी है 40,000 के बराबर, है ना, परसेंटेज में जा रहे हैं हम लोग सभी में, अब ये 400% है, अब ये परसेंट कौन सा है ए वाला है, 400% की वैल्यू कितनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% तो निकालना है, कितनी हो जाएगी 4 से डिवाइड करेंगे 10,000 रुपये, कितने 10,000 रुपये, यहां से भी आ गए, ठीक है डायरेक्ट कर लिया हमने, कैसे किया भाई, ए की सैलरी जो है उसको पूरी सैलरी मिली कितनी हो गई 100%, बी को 100% सैलरी मिली, ये 100% ए का है वो अलग है, बी का 100% अलग है। अब इसकी जो सेविंग थी, ए की जो सेविंग थी वो 15% थी, क्योंकि 85% स्पेंड किया इसने, बी ने क्या किया कितना स्पेंड किया, मतलब एक्सपेंडिचर हो गया उसका 95%, बचा कितना 5%, मतलब अब ये बोल रहा है कि दोनों की सेविंग बराबर है, इसका मतलब 1% इसका, ये दोनों अगर इक्वल है तो 1% इसका 3% के बराबर है, तो इसका जो 1% है, इसका जो 1% है तो उसे 100% बना ली, तो 100% बना लिया तो ये 300% के बराबर है, मतलब अगर बी का 100% हम करें तो उसकी जगह हमें 300 जो है 100 है उसकी जगह 300 किसका रखना पड़ेगा ए का, है ना, 300% ऑफ ए, 300% ऑफ ए हमने रख दिया और इसे ए बना लिया, जब 100 का 300 कर दिया तो 3 गुना आ गया ना, इसको 3 गुना किया तो इसे ए बना लिया, दोनों को समेशन क्या है 400%, है ना, 400% इसके बराबर है तो 100% इसके बराबर हो जाएगा, बात समझ में आ गई। अगर यहां से कंफ्यूजन होता है तो पहले वाली स्टेप भी सही है हमारी, पहले वाला जो हमने तरीका अपनाया था वो भी करेक्ट है, उससे भी हम लोग कर सकते हैं, क्लियर है।